तो गाइस यहाँ पर 2 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण पूरे मतलब ये गन्ने अन्ने सब गिर गए हैं, और ये सड़क भी देख सकते हो आप कितना ख़राब हो चुका है। लेकिन बारिश होने से एक चीज़ का फ़ायदा है गाइस, धान को बहुत सींचना पड़ रहा था, इस समय पर नहीं सींचना पड़ रहा, देख सकते हो आप हरियाली भी हो गई है गाइस, मतलब खेत हरे भरे हो गए हैं, अब धान फूटने लगे हैं सब। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा धान लग रहा है यहाँ पर, सब एक ही साइज के धान है, मतलब जो ऐसा लग रहा है कि सब एक बराबर से काटा हुआ है। ये देख सकते हो गाइस पेड़ पर पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए हैं, 2 दिन बारिश हुई है, यहाँ पर गन्ना गिर गया है। सड़क का हाल देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो गाइस हम चल रहे हैं यहाँ से अपने खेत के पास पहुँचने वाले हैं, और हमारे पीछे देख सकते हो आप कितना हरा भरा है, मतलब सारा खेत बारी जो भी है, धान बिठाया गया था तो 2 दिन के पानी से मतलब ठीक तो हो गया है धान, देख सकते हो आप यहाँ पर। और आज घाम निकल रहा है, 2 दिन के बाद घाम देखने को मिला है, ये देख सकते हो मेरा धान का खेत कुछ ख़राब हो गया था गाइस यहाँ पर पेड़ के कारण। और ये तिल बोया था, तिल भी गिर गया है, पूरा तिल गिर गया है गाइस, हवा के कारण पूरा तिल गिर गया है, मतलब सारा तिल गिर गया है, ख़राब भी हो गया है ये देख सकते हो आप। मैंने सोचा था कुछ तिल हो जाएगा, ये सब गिरकर ख़राब हो गया है, चलो देखते हैं जो होगा सो काटा जाएगा, क्या करेंगे। ये देख सकते हो गन्ना कितनी बुरी तरीके से गिरा है, एक चीज़ के लिए फ़ायदा है गाइस, धान के लिए फ़ायदा है, धान बचा हुआ है अभी। लेकिन गाइस हमारा तिल ख़राब हो चुका है, आधा से ज़्यादा तिल ख़राब हो गया है, अब इसका देखते हैं क्या बनता है। इसलिए हमने इसमें मेड़ भी नहीं लगाया था कि पानी ना रुके, ऊंचा था खेत तब भी पानी रुका नहीं, लेकिन हवा के कारण गिर गया है। चलो जो होगा वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये खेत आप देख सकते हो, ये भी हम लोगों का ही है, यहाँ पर भी धान अच्छा लगा हुआ है, ये नीचे मतलब खाल है खेत, तो इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, तो ये तो ठीक ठाक धान है। और ये आप सड़क का हालत देख सकते हो कितना बेकार हो चुका है, इस पर पैदल भी नहीं चला जा रहा, तो ये साइकिल कहाँ से चलेगी, पैदल घिरा के लेकर जा रहे हैं इसे, देख सकते हो कितना ख़राब है। चलो चलते हैं। आया था साइकिल लेकर गए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि सड़क इतना ख़राब है कि वीडियो बना कर चला भी नहीं सकते इस पर। ये देख सकते हो कि कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था शायद, बचा या गिरा है वो भी नहीं मालूम। इतना ज़्यादा ख़राब है सड़क, ये सड़क भी नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इस सड़क में। और ये धान देख सकते हो आप कितना अच्छा लगा हुआ है, ये भी अपना ही धान है।